माया, वही माया जिसे तू ना नहीं कह पा रहा, सांझ, वही माया जिसकी वजह से तू मुझसे झूठ बोलने लग गया है। Excuse me, मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला? तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले अर्जुन, जैसे कि लोनावला पे छुट्टी जाने का झूठ, नींद का बहाना मार के माया के घर जाने का झूठ, मुझसे ये कहता है कि ऑफिस में मीटिंग है लेकिन मीटिंग होती नहीं है, ऑफिस वालों के साथ लंच पार्टी करने का झूठ। तूने एक काम किया कर, जब तू झूठ बोलता है ना तो जाके अपने दोस्तों से कह दे कि तेरी फोटो अपलोड ना करे। एनी विच वेज, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अर्जुन शर्मा, आपका ये झूठ आपको बहुत दूर तक लेकर आया है। तेरे सपने आज, तेरे सपने रियलिटी बन के तेरे सामने खड़े हैं अर्जुन। और तू यही चाह रहा था ना, दिस इज व्हाट यू वांटेड राइट? एक सेकंड, इसीलिए तू माया को ना नहीं कह पा रहा था क्योंकि तुझे ना कहना ही नहीं है माया को। Excuse me. झूठ तब बोलते हैं जब सामने वाला सच सुनना ही नहीं चाहता है। अगर मैं तेरे को बोलता कि डस्की यार मैं लोनावला जा रहा हूँ फोटो शूट के लिए, छुट्टी कैंसिल करते हैं, सबसे पहले मुंह किसका सड़ता? तेरा सड़ता कि नहीं सड़ता? अगर मैं तुझे उस दिन बोलता कि मैं रात को माया को आइसक्रीम देने जा रहा हूँ, मुझे लेक्चर कौन देता? तू एक बात समझ नहीं रही, माया का कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मैं हूं। और आज लंच का ले लो यार। अगर मैं तुझे बोलता कि मेरे दो जूनियर्स हैं, उनको प्रमोशन मिला है, वो भी मेरी वजह से, पहली बार, तू पता क्या बोलती? अच्छा, अब तेरे ऑफिस के दोस्त मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और ये सब मैंने नहीं मंगवाया, मैंने माया को लिस्ट दी है, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि तू माया को ना नहीं कह रहा और तेरी हाँ की उम्मीद में वो तुझे खरीदने की कोशिश कर रही है। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? Excuse me. मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई शॉप में रखा हुआ खिलौना नहीं हूं। कि लो भैया मुझे ये खिलौना पसंद आ गया, पैसे दो और ले जाऊंगा मैं इसको। अगर तुझ में इतनी सी अकल होती ना तो तू माया को ना कब का कह चुका होता, लेकिन नहीं। आयन, सास सवानी चले गया। खरीदा हुआ प्यार कभी खुशियां नहीं लाता है, सिर्फ जरूरतें बढ़ाता है। और एक दिन ये जरूरतें खुशियां खा जाएंगी। तुम वो ही गलती कर रही हो माया जो मैंने अश्विन के साथ की थी। अर्जुन अश्विन में रुद्र नहीं है। कहाँ जा रहा है तू? ये सब कहाँ लेके जा रहा है? माया के पास। वो शायद जानती नहीं है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और शायद मेरे दोस्त भी नहीं जानते। टफर तू? अर्जुन, मेरे दोस्त मुझे टफर कहते हैं, और वो जानते हैं कि मैं अपने सपने खुद पूरे कर सकता हूँ, मुझे किसी और की गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तुम नहीं समझोगी सांझ। ओए, दो मिनट वेट नहीं कर सकती थी क्या? सारे इमोशन सभी दिखा दिए, गिफ्ट्स भी मैंने खोल के नहीं देखे। मॉम, आयान, मैं तो बस बोल रहा था ना। जब भी बोलता है ना गलत ही बोलता है, अपना मुंह बंद रखा कर। अपने भाई की तरह बोलना सीखा यान,
तूने सुना उसने क्या कहा? उसे खरीदी हुई खुशियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा अर्जुन बिकाऊ नहीं है। जितनी स्मार्ट दिखती हो ना उतनी हो नहीं। क्या सोचा था मैं बिकाऊं ये घड़ी और मोबाइल? मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपने कहा था ये मेरे टैलेंट और मेहनत की वजह से, और आप ये सब देके मुझे खरीदना चाहती हैं। अरे ऐसे कोई पैसे बने ही नहीं जो अर्जुन शर्मा को खरीद ले। गलती मेरी थी कि मैंने आपकी बात पर भरोसा किया। जैकेट मैंने दी थी, जो प्यार बिक सकता है वो टिक नहीं सकता, और मैं तुम्हारे साथ दो कदम नहीं पूरी जिंदगी चलना चाहती हूँ। ये सामान तुम्हारा प्यार खरीदने के लिए नहीं, अगली फोटोशूट के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। तुम्हें इसमें से चीजें शॉर्टलिस्ट करके मुझे वापस भेजनी थी। कहीं लिखा कि मैं चमन पप्पू? ये सारा सामान मैंने एक वेबसाइट पे विश लिस्ट पे डाला था और आपने सेम भेज दिया। लाइक रियली ये वेबसाइट ये मेरी विश लिस्ट है। लगता है हम दोनों की विशेज एक ही जैसे हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, आज तुमने साबित कर दिया कि जितने स्मार्ट तुम दिखते हो ना उतने हो नहीं। कौन सिखाता है तुम्हें ये सारी बेवकूफियां? देखा मेरा अर्जुन जितना डफर दिखता है ना उतना डफर है नहीं। गलती ना मेरी है, खामखा उस पर डाउट कर रही थी, लेकिन अब देखना मेरा डफर उस माया की बैंड कैसे बजाता है। अरे अर्जुन कोई खिलौना थोड़ी ना है जिसे उसने खरीद लिया ऐसे ही पैसों से। वाह यार सांझ, क्या लाइन बोली तूने, एकदम से पलटी मार दी। शाबाश, अमेजिंग। ओ हेलो, मैं कोई पलटी वल्टी नहीं हूं, क्योंकि ये तो प्लान था। क्या बात कर रही है? ग्रैंड प्लान, बता बता। बताऊं? प्लान ये था कि माया का दिया हुआ सारा सामान अर्जुन जाके उसके मुंह पे मारेगा। जब मुंह पे मारेगा तो माया गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी तो अर्जुन की नौकरी उसके मुंह पे मारेगी, उसके मुंह पे जब मारेगी तो अर्जुन और गुस्सा हो जाएगा और फिर उसको बोलेगा तेरे लव की चूड़िया चूड़िया। फिर माया का गंदा सा चैप्टर हमारे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नाइस ना? वाह 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 वाह। पॉइंट। यार देख चैप्टर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर इतनी सारी चीजें तो उसके फेस पे मारेगी ना तो 100% उसका फेस तो खत्म हो ही जाएगा। यार सांस सुना, डेली सोप वाली सांस लग रही है मुझे।
दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही है। ओ हेलो, हाँ? अर्जुन माया से प्यार नहीं करता, गेट दैट स्ट्रेट, ओके? ओ हेलो, अर्जुन माया से प्यार नहीं करता, गेट दैट स्ट्रेट, ओके? ओके आंटी, नहीं मतलब यू आर राइट, मेरा बेटा ऐसी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, है ना आयान? यस मॉम। मेरा भाई पता क्या करेगा, माया को ऐसे घुमाएगा ऐसे घुमाएगा कि उसे चक्कर आ जाएगा। तू ही गिर गया। आई होप ऐसे ही हो। लेकिन माया जब जबान लड़खड़ाना बंद करे ना तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू करना। अब तुम इसमें से सारा सामान जानते हो तो शॉर्टलिस्टेड चीजें मुझे ईमेल कर देना, और इसमें से जो भी सामान टूटा है, जो भी नुकसान हुआ है, वो तुम्हारी सैलरी से काट दिया जाएगा। क्या? अगर अचीवमेंट्स के लिए बोनस मिलता है तो गलतियों के लिए पैसे भी काटे जाते हैं। माया, माया ये सब क्या है? ये सब मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। आखिर अर्जुन को भी एक ना एक दिन मेरे कमरे में ही आना है। तो फिर तुमने अर्जुन से झूठ क्यों बोला? ये सब तुमने अर्जुन के लिए ही खरीदा था ना? हाँ, ये देखने के लिए कि अर्जुन की कीमत क्या है। और क्या पता चला? यही कि जिस पर कीमत लगाई जाए वो प्यार नहीं सौदा होता है, और मैं अर्जुन के साथ सौदा नहीं करना चाहती। और अगर अर्जुन तुमसे सौदा करना चाहे तो? मैंने ये सारी चीजें अर्जुन को खुश करने के लिए दी थी, उसे खरीदने के लिए नहीं। और ये सब वापस करके उसने साबित कर दिया कि अर्जुन अपनी खुशियों का सौदा नहीं करता। निकाल दिया? नहीं, मगर अगर तेरी बात सुनता रहा ना तो जरूर निकाल देगी। हंस के रख। एंड बाय द वे, वो कपड़े ना मेरे लिए नहीं आए थे, क्योंकि मुझसे प्यार करती इसलिए नहीं आए थे, वो शूट के लिए था। इसने मुझको चाबी दी और मैं चला गया अपने बॉस के ऊपर गाड़ी चलाने। इतनी भयंकर वाली चॉप हुई ना मेरी, भयंकर वाली। और तुमने उसकी बात मान ली? प्लीज अब आप ज्यादा मत सोचिए और ज्यादा ना बोलिए। और तू ना, तू सोची मत कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। कौन इतने हजारों का सामान घर पे भिजवाता है, वो भी शूट का सामान? क्यों, तेरे ऑफिस में जगह कम थी क्या? नहीं, मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, बट क्या है ना, जो फोटोग्राफर है वो घर पे रहता है, इसलिए घर पे आया था सामान। तो घर पे जो सामान आया है वो सारा तेरी विशलिस्ट से आया है? वाह, क्यों भाई, हमारी चॉइस नहीं मिल सकती है? इसमें भी मेरी गलती है। Excuse me? Yes. ये चॉइस हमारी कहां से हो गई? हाँ, ये चॉइस तेरी कहां से हो गई? वो चॉइस तेरी और मेरी चॉइस है, और हमारी चॉइस माया की चॉइस कैसे हो सकती है यार? कि अर्जुन को कितनी बकवास सी बातें कर रहा है यार। देख अर्जुन, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तू मुझे बोल दे, क्योंकि माया ना तुझे बेवकूफ बना रही है और तू बेवकूफ बन रहा है। हम दोनों की चॉइस मैच करती है कि कुछ भी बोल रहा है यार। जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, उतना तुझे और कोई भी नहीं जानता है। अब जानता है।
सांझ? मिस्टर अर्जुन शर्मा, कहा था ना मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे सारे पासवर्ड्स मुझे पता है। अरे क्या बात है, आ रही हूं भैया। आग लग गई है क्या? आयन शर्मा जी, सुनाइए उनको, उनके खिलाफ वारंट है हमारे पास। प्लीज मॉम। वारंट? जी हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ मॉम? आप दोनों में से आयन शर्मा कौन है? मैम ये, चलिए आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास। क्या? जी हाँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी गलत घर में आ गए होंगे। अच्छा, और कोई आयन शर्मा रहता है यहाँ पे? बी 402 तो यही है ना? जी यही है। बट ये तो सही घर है। आपकी सारी बातें सही है, लेकिन मैंने क्या किया है? किया क्या इसने? कुछ नहीं, बस शहर में ड्रग माफिया के साथ मिलकर ड्रग्स बेची है। What? मैं ये सब क्यों करूँगा? ड्रग्स माफिया ये सब? चलिए चलिए चलिए। आयान अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। आप कहाँ जाएंगी? हालत देखिए आपने अपनी। मैं उसको संभालूंगा कि आपको संभालूंगा? रिलैक्स, मैं उसके साथ हूँ, उसका भाई उसके साथ। ओके? आयान मेरी जान है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। संभालिए। दिमाग खराब हो गया उसका। उसे कुछ भी बोला ना तो अपनी अकल लगाना शुरू कर देता है। वो पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन उसे उसे तो वही दिखेगा ना जो वो देखना चाहता है। देख उसका फोन आ रहा है। जरूर सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। इडियट। क्या है? मुझे तेरा कोई भी सॉरी वॉरी नहीं सुनना है। तुझे जो भी बोलना है ना जाके अपनी माया को बोल, मुझे नहीं। दस की पुलिस अयान को उठाकर ले गई। तुम और मैं और तुम जैसे एक ही जान हो। तुम कहाँ शुरू होते हो और मैं कहाँ खत्म, पता ही नहीं चलता।
तुम्ही ने कहा था ना, जब काम हो तभी फोन करना, तो तुम्हारा कहा मना कैसे कर सकती हूँ। अरे उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपसे बात करिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। किसी का भाई ऐसा नहीं होता भाई, जा काम करने दे। अरे उसने कुछ नहीं किया, आप लोग फालतू में उसको यहाँ पर ले आए। तो काम करने देगा, तेरे भाई के साथ तेरे को भी अंदर डालूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए उसको। तुमने कोई गलती नहीं किया। हेलो, शूट के लिए माया, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बात बात करता हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो साहब, मत। अरे समझाओ ना उसे, कुछ नहीं किया उसने। अर्जुन, हेलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।